अखिल विश्व गायत्री परिवार द्वारा शिक्षक उन्मुखीकरण कार्यशाला का आयोजन किया गया, जिसका मुख्य उद्देश्य बाल निर्माण के माध्यम से युग निर्माण की महान योजना को धरती पर साकार करना है। स्थानीय शासकीय कन्या उच्चतर माध्यमिक विद्यालय परिसर में आयोजित उक्त आयोजन में विकास खंड के शिक्षकों और बच्चों की उपस्थिति में मुख्य अतिथि गायत्री परिवार इंदौर के उपजोन प्रभारी कृष्ण शर्मा, विशेष अतिथि जिला संयोजक योगेश पाटीदार और राजेश्याम पाटीदार थे। शर्मा ने अपने उद्बोधन में कहा कि वर्तमान परिवेश में वक्तव्य और कर्तव्य में समानता नहीं होने के कारण समाज में सकारात्मक परिवर्तन दिखाई दे रहे हैं। वाणी और आचरण की एक रूपता के समाज के और राष्ट्र के क्रांतिकारी बदलाव आएंगे। वर्तमान में दोनों ही क्षेत्रों में शिक्षक की भूमिका सर्वोपरि है। बच्चों को संस्कार शालाओं के माध्यम से महान बनाने के सैद्धांतिक और व्यवहारिक पक्ष को भी विभिन्न कहानियों और गतिविधि के माध्यम से रोचक तरीके समझाया गया। सेगांव से संजय जायसवाल की रिपोर्ट। सर, आज जो ये कार्यशाला रखी गई थी, इसके पीछे क्या उद्देश्य है? देखिए, गायत्री परिवार के संस्थापक रहे परम पूज्य गुरुदेव पंडित श्री राम शर्मा आचार्य जी, उन्होंने 7 आंदोलन निर्धारित किए हैं। उसमें एक आंदोलन शिक्षा आंदोलन है। शिक्षा आंदोलन के तहत हम बच्चों में नैतिक संस्कार, राष्ट्रीयता और समाज सेवा की भावना जागृत करने के लिए इस प्रकार की कार्यशाला का आयोजन करते हैं। इसमें शिक्षकों को इस बात के लिए प्रेरित करते हैं कि वो बच्चों के बीच में काम करें और बच्चों के अंदर नैतिक संस्कार, राष्ट्र प्रेम की भावना, समाज सेवा की भावना उनके विकसित करें। इसमें इसके माध्यम से क्या बाल संस्कारशाला के लिए भी प्रेरित के माध्यम से ये जो शिक्षक है जो यहाँ पे उपस्थित हुए, ये बच्चों के बीच में काम करेंगे और बच्चों को गतिविधियों के द्वारा, खेलों के द्वारा, कहानियों के द्वारा और खेल खेल में उनको नैतिक संस्कारों की ओर मोड़ेंगे। अच्छा, क्या शुभ नाम लिखते हैं सर? श्री कृष्ण शर्मा। धन्यवाद। हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं हमारा चैनल SW24 न्यूज। हमारे सारे वीडियो सबसे पहले देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और पास में लगे बेल आइकन को दबाना बिल्कुल भी ना भूलें।